मैम, जो आपने SOL में MBA का कोर्स का किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो नौकरियाँ कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी, टेलीकॉम, उसमें सब, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो MBA का हमारा कोर्स है, उसमें दो तरह से एडमिशन होता है। एक तो मेरिट बेस्ड होती है, जो आपकी ग्रेजुएशन में मेरिट आई है उसके बेसिस पे एडमिशन होता है, और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी उसमें लगती है। दूसरे, जिन स्टूडेंट्स को कहीं पे काम कर रहे हैं, वो कहीं कॉरपोरेट में या कहीं और पे, तो उनको उनके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का वहाँ पे एडवांटेज मिलता है, उनके मार्क्स ऐड होते हैं उसमें, और मैक्सिमम ऑफ 5 years के एक्सपीरियंस के 20 marks उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से दो क्राइटेरिया के तहत एडमिशन होता है उनको। मैडम, आपके पास जैसे SOL में आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चाहिए हो? उसको डॉक्यूमेंट जो चाहिए, अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और इसके अलावा अपना अगर कैटेगरी में अप्लाई करें तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर वो एम्प्लॉयड है कहीं पे तो उसको अपने एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कि कितने साल से वो एम्प्लॉयड है वो सर्टिफिकेट चाहिए। अगर उसने 2-3 जगह भी अलग अलग नौकरी करी है तो वो तीनों सर्टिफिकेट्स अपने अपलोड कर सकता है। आपके SOL में MBA की टोटल सीट कितनी है? इस बार हम 5000 के आसपास का एडमिशन लेंगे। टोटल सीट्स हमारी हर बार बढ़ सकती हैं क्योंकि हमारे पास AICT का अप्रूवल है, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और स्टूडेंट्स के हिसाब से एडमिशन उनकी क्लासेस वगैरह क्लासेस संडे को होती हैं कॉलेजों में, हाँ कॉलेजेस में होती हैं। एक सेंटर है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें उनकी क्लासेस होती हैं। इसके अलावा वही क्लास हम उसी समय लाइव भी कर देते हैं, और सैटरडे को उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और जब एग्ज़ाम्स और आने वाले होते हैं तो उस समय पर रिविजन क्लासेस होती हैं। थैंक यू।